हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोल्डर कॉम्बो टच डिस्प्ले कॉम्बो। तो दोस्तों जब भी आपका फ़ोन ब्रेकेज होता है, टूटता है गिरने से या किसी भी कारण आपका फ़ोन टूटता है, तो जब भी आप फोल्डर चेंज करवाने मार्केट में जाते हो तो वो आपके लिए कितना सही रहता है, कितने फ़ायदेमंद रहता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो आज हम इसे अलग अलग एंगल से गिराएंगे दोस्तों। नया फोल्डर है, देख लीजिए। तो ये रहा दोस्तों फोल्डर। तो ऐसे किसी भी कंपनी का फोल्डर हो सकता है, ये तो खैर वीवो का फोल्डर है, तो आप किसी भी फोल्डर को ले सकते हैं इसके साथ। तो कितना आपको ये सेफ रहता है जो ओरिजिनल फोल्डर रहता है उसमें, और इसमें कितना अंतर रहता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना यार दोस्तों। तो अब हम इसका टेस्ट करेंगे और इसे हम गिरा के देखेंगे कि ये किस किस कंडीशन में नहीं टूटता और किस किस कंडीशन में टूट जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, स्टार्ट। स्टार्ट। तो दोस्तों ये देख लीजिए इस फोल्डर को, क्या हाल हो गया इसका, ये देख लीजिए। तो काफी तरह पूरी तरीके से टूट गया है, देख लीजिए। यहां से देख लीजिए इसका पूरा शीशा। तो दोस्तों हमने इसे दो तीन बार टेस्ट करा अलग अलग एंगल से, तीन चार एंगल से इसे टेस्ट किया। तो दोस्तों पहली बारी में ये फूट गया था एक ही एंगल से। तो दोस्तों ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है, तो जब भी आप इसे लगाएं तो ये ज़्यादा चलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा चलेगा। तो टेम्परेली यूज के लिए इसे यूज कर सकते हैं, जैसे फ़ोन के अंदर डाटा है तो उसे निकालने के लिए आप इसे लगा सकते हैं। तो ओरिजिनल की बात कुछ और ही रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। देखा आपने कैसे हमने इसका एक्सपेरिमेंट ही समझ लो तो क्या। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है दोस्तों। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।